क्या तुम बीकू महात्री को जानते हो? कौन बीकू? वहां बैठे हैं। नहीं, तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो। तो अभी गाइस आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम रील्स पर ये वीडियो बहुत वायरल है, ये ऑडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो बहुत वायरल है। अगर आपको भी इसी तरह वीडियो बनाना है, आप जो देख चुके हैं प्रीव्यू में, तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है। आप बीकू महत्रा को पहचानते हो? कौन है वो? वो रहा, फिर आपका फोटो आएगा। इस तरह बनाना है अगर, तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, आपका एक लाइक से बहुत मोटिवेट मिलता है, इसलिए आप प्लीज़ एक लाइक करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह हर दिन ट्यूटोरियल देखने को मिलते ही रहता है। और गाइज और एक चीज़, अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ कर दें, 4K करना है, 4K टारगेट है, 4K कर दो और आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। तो चलो गाइज, आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे बनाने सीखते हैं। सो गाइस, सबसे पहला आप सभी को एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन से इस एलाइट मोशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक दूंगा, या प्रोजेक्ट या प्रीसेट जो भी आप कह सकते हैं। एक पे आपको बिट मार्क रहेगा और एक पे सेक इफेक्ट रहेगा। तो मैं दिखा देता हूँ, आप जब भी प्रीसेट पे क्लिक करोगे, ऑल प्रीसेट लिंक, उस पर क्लिक करने के बाद हाँ आपको ऑटोमेटिक अलाइट मोशन ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले से इंस्टॉल करके रखे हैं तो देन आपको इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जो बिट मार्क है ना वो इस तरह रहेगा, आप देख सकते हैं, इस पर सॉन्ग एक वीडियो रहेगा और इस तरह आपका मार्क रहेगा, और एक सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट कुछ आपका इस तरह रहेगा। तो ये दोनों सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट और आपको बिट मार्क प्रोजेक्ट या प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इस तरह आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको सॉन्ग और वीडियो दोनों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, 6.16 सेकेंड के बाद फोटो सब आप अपना इंपोर्ट करना है। किस तरह करना है आपको, उस यहाँ पर एरो देख रहे हो ना, जो बीच में प्ले करने का ऑप्शन है, और इधर एक राइट का एरो है, एक लेफ्ट का एरो है, इस पर क्लिक करके आप एरो तक इजीली पहुँच पाओगे। अब यहाँ पर प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, इस मार्क से जहाँ पर मैं मार्क कर चुका हूँ, जहाँ पर बिट है। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज एंड वीडियोस व्यू ऑल, और आप अपना जो इमेज पे बनाना चाहते हैं उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करें, और इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन करें। अब क्या करें, इस इमेज को आपको इस मार्क तक पहुँचाना है। देख सकते हैं आपका 6.16 सेकंड तक था, अब आपको वो 10.06 तक पहुँचाना है। तो उस फोटो लेयर पर क्लिक करना है इस तरह, और आप उस मार्क तक पहुँच जाएँ और इस आइकन पर क्लिक करें। देख सकते हो वो फोटो इस लेयर तक चले आ जाता है। अब इस टाइम से आपका नेक्स्ट अपना जो दूसरा इमेज है उस इमेज को इंपोर्ट करना है। अब इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन करना है। अब इसे भी आपको उस तरह इस मार्क तक पहुंच जाना है, एरो पे क्लिक करके देन इस आइकन पर क्लिक करें। अब इस मार्क से आपको फिर से आपका नेक्स्ट इमेज को इंपोर्ट करना है, देन इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन करें। अब इस मार्क को आपको इस मार्क तक राइट एरो पे क्लिक करके इस मार्क तक आ जाना है, और इस आइकन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस मार्क से इस मार्क तक एक फ़ोटो, इस मार्क से इस मार्क तक एक फ़ोटो, इस तरह आपको मार्क के अकॉर्डिंग फ़ोटो सबको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर इसके उसके बाद 4 फोटो आपको लगेगा टोटल। हाँ, उसके बाद मैं इस फोटो को इंपोर्ट करता हूँ। अब इस थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल स्क्रीन करना है। अब यहाँ पर गाइज आपका जितना दूर ऑडियो है उतना दूर आपको यहाँ पर फोटो को कर देना है इस तरह। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसके बाद इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, और जो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाना है। इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर या प्रीसेट के अंदर आने के बाद आपको ये फोटो देखने को मिलेगा, इस फोटो पर टाइप करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स। ओके, इसका जितना सारा इफेक्ट्स था सब आप कॉपी कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी आपको जो नेक्स्ट फोटोज़ है, जो आपका फोटो सब है जो इंपोर्ट किए 4 फोटो, उस फोटो पर टाइप करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट करना है। अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करके उसी तरह आपको करना है। किस तरह करना है, आपको इमेज पे टाइप करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पे जाना है, इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है और पेस्ट करना है। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट इमेज पे टाइप करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पे जाना है, इस थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। तो ये 4 फोटो पे आप ये इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए। आप देख सकते हो वो जो इफेक्ट मैं बना चुका हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इजीली कुछ मिनट के अंदर ये वीडियो बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करें,
इस मार्क से 16.16 सेकंड से आपको एक फ़ोटो को इंपोर्ट करना है, जो फ़ोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वो फ़ोटो को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं पहले उस फ़ोटो को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, एक वीनियट टाइप का फ़ोटो है। ओके, तो यहाँ पर वीनियट टाइप का मैं फ़ोटो को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको फ़ोटो को यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है, इस 3 नंबर पर क्लिक करके इस तरह बड़ा करना है, थोड़ा ज़्यादा कर लेना है, हैं इस तरह। अब यहाँ पर लास्ट तक चले आ जाना है, उस लेयर पे क्लिक करना है जो आपका वीनियट लेयर है, हाँ। देन इस आइकन पर क्लिक करें, वो लेयर लास्ट तक चले आ जाता है। अब इसी टाइम से आपको एक इफेक्ट वीडियो को इंपोर्ट करना है, जो आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। जब भी आप ऑल मटेरियल्स लिंक पर क्लिक करोगे, आप चले आ जाओगे मेरा वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद जो पोस्ट है, वो पोस्ट को आपको फाइंड करना है, थंबनेल देखकर आप फाइंड कर लोगे इजीली। उसके बाद आपको जो लिंक सब है आपको उस पोस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप नीचे करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को इंपोर्ट किया। अब आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना है, लाइटन पे क्लिक करके स्क्रीन करना है। तो यहाँ पर गाइज अब आपको यहाँ पर एंड तक अब आना है। किस तरह आना है, कोई भी लेयर पे क्लिक करके आपको इस तरह एंड पे आना है, और जो आपका वीडियो है उस पे क्लिक करके इस आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पर गाइज जो वीडियो था वो बन के तैयार हो चुका है। जब आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लोगे वीडियो को, उसके बाद अगर आप प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो इजीली प्ले होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको इस तरह यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। क्या तुम बीकू महात्रे को जानते हो? कौन बीकू? वहां बैठे तो गाइस इस तरह आप बना सकते हैं वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देखकर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।